हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? दिल से उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आया था आज मैं अपना ही कुछ काम से, लेकिन कहीं से पता चला कि एक मंदिर है, बहुत अंदर है, बहुत कोयल नगर साइड है, बहुत अजीब सा जगह में है, नदी के किनारे है। आई एम श्योर आप लोग कभी भी इस मंदिर के बारे में नहीं सुने होंगे या नहीं आए होंगे, नहीं देखे होंगे। तो गाइस, थोड़ा सा दिमाग में आया कि मेरा भाई लोग है, दोस्त लोग है, सबसे शेयर करना चाहिए, इसी कारण से यहाँ का ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस, ब्लॉग को देखिए ज़रूर, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, दिखाता हूँ आपको। गाइस, जो बिल्डिंग आप लोग को दिख रहा है ये अभी अभी बन रहा है, ये मंदिर का ही एक मंदिर बन रहा है। गाइस, ये अंदर का नजारा है मंदिर के अंदर का। ये जो बाहर से बन रहा है, ये अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। फ्रेंड्स, अभी आप लोग देखे सुंदर सा साई मंदिर, जहाँ का डेकोरेशन लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बाहर से देखने से बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा भी होगा अंदर से। ये देखिए, यही बिल्डिंग है, लेकिन अंदर से कितना सुंदर है मैं आप लोग को दिखाया। जब ये बन जाएगा तो सोचिए कितना और अच्छा लगेगा। ये एक पानी टंकी टाइप बन रहा है, ये क्या है? इसको वॉचिंग सेंटर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है कैसा है। गाइस, ये सीढ़ी में एक रास्ता गया अंदर, ऊपर शिव जी का मंदिर है, चलिए वहाँ का दर्शन कराता हूँ। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड है इस मंदिर में आने के लिए, विजिट करने के लिए, उन लोग के लिए ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग को आना है सेक्टर 20 का फुटबॉल चौक, जो रास्ता कोयल नगर जाता है, फुटबॉल चौक से थोड़ा सा आप लोग को आगे आना है। थोड़ा सा आगे आके 3-4 आप लोग को नारियल वाला दिखेगा, बड़ा बड़ा छाता लगा के, रंगीन छाता लगा के, वहाँ से आप लोग को लेना है लेफ्ट। लेफ़्ट लेके आप लोग को एकदम सीधा जाना है, एकदम सीधा। करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट साइड में आप लोग को खटाल वगैरह दिखेगा, राइट साइड में आप लोग को बाउंड्री पार्क टाइप कुछ बनता हुआ दिखेगा। एंडिंग में जाके रोड, उसी रोड का एंडिंग में जाके आप लोग को पूछना है कि बाबा ढोलेश्वर का मंदिर कौन सा है, पहाड़ के ऊपर में स्थित है। यहाँ आने के बाद आप किसी से भी पूछिए रास्ता का एंड में आने के बाद कि मंदिर कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा। टाइम 1 बज रहा है, इसका मंदिर बंद हो गया। बाहर से आप लोग को दिखाता हूँ कैसा है। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ का भी गेट बंद है, बाहर से ही दिखाना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि दोपहर का टाइम है इसलिए गेट बंद हुआ है। पंडित जी का घर है, वो रहे पंडित जी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ मंदिर आप लोग को पसंद आया होगा। मंदिर यहाँ 3 टाइप का मंदिर है, एक है साईं बाबा का मंदिर, दूसरा मिलेगा आपको शंकर जी का मंदिर, तीसरा है कृष्ण भगवान का मंदिर। गाइस, ये 3 मंदिर यहाँ बहुत ही अच्छा ढंग से है। मंदिर बहुत छोटा सा जगह में है, लेकिन मंदिर बन रहा है, और एक पानी टंकी टाइप का भी बन रहा है। आप लोग यहाँ अगर घूमने आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, मैं वीडियो में रास्ता तो बता ही चुका हूँ। और अगर नहीं आना चाहते हैं तो वीडियो में ही आप लोग मंदिर को देख सकते हैं,
पूजा भी कर सकते हैं, भगवान का भी मूर्ति को भी दिखाया हूँ मैं। गाइज यहाँ के पंडित जी खुद ही बोल रहे थे कि ये मंदिर कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि एकदम बाहर साइड हो जाता है। आता तो कोयल नगर में ही है लेकिन बहुत बाहर साइड हो जाता है ये एरिया, इसी के लिए लोग जान नहीं पाते हैं। और जानते जो जानता है वही आता है, जो नहीं जानता वो आ भी नहीं पाता है क्योंकि किसी को पता नहीं है। तो गाइज आप ही लोग मेरा फैमिली है और आप लोग के साथ अगर शेयर नहीं करूँगा तो किसके साथ शेयर करूँगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसा ही और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ आप लोग को कुछ नॉलेज देने के लिए, आप लोग जिस सिटी के बारे में रहते हैं उसके बारे में आप लोग को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो गाइज आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही वीडियो फिर 2-4 दिन बाद लाऊँगा, कुछ और भी अच्छा जगह दिखाऊँगा जो कि आप लोग को डेफिनेटली पसंद आएगा। तब तक के लिए गाइज छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टाटा।